हेलो दोस्तों, लर्न बेसिक्स में फिर से आपका स्वागत है। तो जैसे कि आप देख रहे हैं, एमएस पेंट का होम पेज खुला हुआ है। तो आज हम माइक्रोसॉफ्ट पेंट के बारे में बात करने वाले हैं। एक्चुअली किसी ने पूछा है कि माइक्रोसॉफ्ट पेंट में सेम कलर टिक करना हो तो कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में देखेंगे कि हम कैसे करेंगे। तो अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके, ठीक है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं वीडियो। ये देखिए, एक मैंने होम पेज खोला हुआ है और यहाँ पर मैंने एक जी का सिंबल लिया हुआ है। इसमें कुछ कलर है, जैसे स्काई ब्लू कलर में जी बना हुआ है, ठीक है। तो सेम कलर पिक करने से मतलब कभी कभी ये होता है, जैसे आप कोई कलर चूज करते हैं, यहाँ पर कुछ लिमिटेड कलर ही दिए होते हैं, ठीक है। या अगर आपको ज्यादा कलर में जाना हो तो ये देखिए एडिट कलर का सेक्शन होता है, इसमें बहुत सारे कलर होते हैं, मल्टीपल शेड्स होते हैं, ठीक है। आप चूज कर सकते हैं अकॉर्डिंगली। लेकिन अगर आपको यही कलर पिक करना हो तो वो आप कैसे करेंगे, कभी कभी इसमें बहुत टाइम लग जाता है और कभी कभी नहीं भी मिलता है, ठीक है। तो इसके लिए बहुत आसान सा ऑप्शन है, एमएस पेंट में दिया हुआ है हमें। ये देखिए यहाँ पर ऑप्शन है ये, ठीक है। ये कलर की बाल्टी बनी है, उसके जस्ट नीचे देखें ये एक टूल दिया हुआ है, कलर पिकर इसको बोलते हैं। जब आप इस पे कर्सर ले जाएंगे तो ये कलर पिकर दिखाएगा यहाँ पे लिख करके, ठीक है। तो इसमें नीचे भी लिखा हुआ, पिक अ कलर फ्रॉम द पिक्चर एंड यूज इट फॉर ड्राइंग, मतलब सेम कलर आप चूज कर सकते हैं और अपनी ड्राइंग में यूज कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। तो इस पे क्लिक करिए, ठीक है। ये देखिए सेलेक्ट हो जाएगा, जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये देखिए जी का सिंबल दिया हुआ, तो हम चलिए स्काई ब्लू कलर पहले चेक करके देख लेते हैं। स्काई ब्लू कलर हम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। तो देखिए मैं इस पर ये देखिए कलर पिकर ले जा रहा हूँ, उसको यहाँ पर आप क्लिक कर दीजिए, ठीक है। अब आप जैसे ही क्लिक करेंगे ये देखिए यहाँ पर उस कलर का सिंबल बन के आ जाएगा, ठीक है। अब चलिए हम ये कलर की बाल्टी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ताकि क्लियर समझ में आ जाए। तो जब इसको आप यहाँ पर इंटर प्रेस करेंगे तो ये देखिए सेम कलर जो है यहाँ पर वो हो गया, ठीक है।